अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये नकली एरोप्लेन लेके सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप कहेंगे कि भैया चिल्ला काहे रहे हो, शांत हो जाओ, ट्रोल हो जाओगे। दूसरा आप कहेंगे कि ये नकली एरोप्लेन से सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब क्या बात कर रहे हो यार। अब जब मुझे ये बात समझ में आ रही है, आपको ये बात समझ में आ रही है, तो जॉन अब्राहम को क्यों नहीं आई? क्यों जॉन? क्यों जॉन के अंदर सुपरमैन, बैटमैन, ही मैन, मतलब यहां तक कि सारे मैन जितने भी होते हैं ना, सबकी आत्मा समा गई। और सत्यमेव जयते 2 के ट्रेलर में उन्होंने अपना तांडव दिखा दिया। भैया सत्यमेव जयते का ट्रेलर आया है, और क्यों आया है? जॉन अब्राहम उसमें बाप के रोल में भी हैं, भाई के रोल में भी हैं, दूसरे भाई के रोल में भी हैं, और मतलब जितने सारे रोल होते हैं ना, उन सब में जॉन अब्राहम उसमें हैं। और जैसे मैं इस नकली एरोप्लेन से सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहा हूं, जॉन भी उसमें कुछ कुछ वैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक डायलॉग तो है, गांधी जी की हमेशा जय हो, लेकिन भगत सिंह हमारा बंदा है। मतलब यार, मतलब रोंगटे जो है ना, वो खड़े होने की बजाय ना कोमा में चले जाएंगे। ऐसे ऐसे डायलॉग्स। इस जन्म में ऐसी मौत मारूंगा कि माँ की कोख से तो छोड़, बाप की तोप से भी नहीं निकलेगा। मतलब ऐसी तोप, तो भैया इससे तो मच्छर भी ना मरे। भाई जॉन अब्राहम ने पूरी तरह से जो है डिसअपॉइंट किया है। वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाते नजर आ रहे हैं, डायलॉग्स इतने ज्यादा फनी लग रहे हैं कि ये फिल्म कम कॉमिक्स ज्यादा लग रही है। और इस ट्रेलर पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बजट कम था क्या, जो जॉन को हर रोल के लिए साइन कर लिया। बाप भी जॉन, बेटा भी जॉन, सब कुछ जॉन। दिव्या खोसला कुमार यहां जॉन अब्राहम की मां बनी है, और मतलब क्या कहें, मतलब दिव्या खोसला कुमार जॉन अब्राहम की मां कैसे लग सकती हैं? थोड़ा मेकअप ही ढंग का कर लिया होता। जॉन अब्राहम इसमें कहते हैं 56 इंच का सीना, मतलब 56 इंच के सीने की ऐसी बेइज्जती करी है जॉन ने, कि 56 इंच का सीना भी अब खुद को 56 इंच का मानने से साफ बना कर देगा। ही विल डिनाई कि मैं 56 इंच का हूं। फिल्म में कहीं कहीं आपको शुरुआत में दीवार का मंदिर याद आ जाता है, कुछ दीवार में अमिताभ बच्चन मंदिर जाते हैं, बस वैसा ही कुछ याद आ जाता है। और डॉन का डायलॉग भी याद आ जाता है कि 11 मुल्कों की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, क्योंकि यहां जॉन को 11 मुल्कों की पुलिस नहीं, एक ही मुल्क की पुलिस जो है वो सारा काम कर देगी। क्योंकि यहां जॉन कहते हैं 11 मुल्कों की पुलिस नहीं, मैं ही सारा काम कर दूंगा। मतलब जॉन ही जॉन। वो कहते हैं ना, कहीं कहीं पर लिखा होता है गद्दे ही गद्दे, बस वैसा ही हाल है इस फिल्म के ट्रेलर का भी, बस जॉन ही जॉन। बस लास्ट में एक डायलॉग आता है, तन मन धन से बढ़कर जन मन गण। वो डायलॉग जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक फील गुड देता है। अदरवाइज पूरे ट्रेलर में ऐसा ही लगता है कि जॉन अब्राहम इस तरह के नकली हेलीकॉप्टर को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। अब जनता जॉन अब्राहम की इस फिल्म पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी या नहीं, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल ट्रेलर जॉन अब्राहम के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी डिसअपॉइंटिंग है। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय। फिर मिलते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।